हाँ, तो अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका, ये बुक के जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं भी, वो भी करेंगे। फिर जो मिड में जो पेज नंबर वाइज दे रखे हैं वो भी करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे जो अपने नोट्स के अंदर आ गए, उनको बार बार नहीं करेंगे। जो कुछ वाकई कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं उनको भी करेंगे, और आपको सबको मेरे साथ के साथ उतारना है। ये ऐसे नोट्स है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं, सीधे सीधे मेंस के अंदर। जो भी आप सिविल सर्विसेज की आगे जाके तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि NCERT आपकी समझ विकसित करता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आप क्या सोचते हो, अपने सुझाव दीजिए, ऐसी वाली बातें जब भी आती है तो अपने खुद से जो भावनाएं निकल के आती है वही तो है सिलेक्शन, ठीक है। तो अब आप बुक के पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार। ये कह रहा है कि एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भूखमरी की स्थिति की तरफ खींचा, यानी कि एक पेटिशन बाय ह्यूमन राइट ग्रुप टू अटेंशन ऑफ द कॉल टू द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन ऑफ हंगर इन द कंट्री, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा आगे कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। कितना था? 5 करोड़ टन ऑफ फूड ग्रेन्स वो स्टोर्ड इन द गोडाउन ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर भी हुआ क्या इतना जब धान था? फिर भी तो शोध से, रिसर्च से ये पता चला कि अधिकांश राशन कार्डधारी ये नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। यानी कि रिसर्च शो दैट लार्ज नंबर ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स डू नॉट नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दे कैन परचेज फ्रॉम द प्राइस शॉप्स। वो नहीं जानते, इसलिए इट रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसलिए सरकार से ये मानवाधिकार जो समूह है वो याचिका, अपनी याचिका में अदालत से निवेदन करता है, निवेदन किया है कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दें, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है उनका, मतलब कि इसको प्रणाली को, ये सिस्टम को ठीक करें। अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं आपको दो। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, वो है कि इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, ये अधिकार आपस में किस तरह जुड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विच डिफरेंट राइट्स डज दिस केस इन्वॉल्व, हाउ आर दीज राइट इंटरलिंक्ड। वो आपको बताने हैं कि ये जो अपने थ्योरी पढ़ी ना 4-5 लाइन की, इनमें कौन कौन से अधिकार शामिल है, कौन कौन से राइट शामिल है, और ये अधिकार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो भी अपन को बताना है। और सेकंड कह रहा है, क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है, यानी कि शुड दीज राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अपन आंसर देखते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन 8 के फर्स्ट, इसमें अपने आंसर इसका ये लिखा है कि इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा जीवन का अधिकार शामिल है। ध्यान रखना, इसने कहा था कौन कौन से अधिकार शामिल है इस पूरी जो 4-5 लाइन की थ्योरी है इसमें। एक तो अपने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक जीवन जीने का अधिकार। इसका अपन कारण भी बताएंगे कैसे कैसे शामिल है, अभी समझना। पहला आंसर समझ में आ गया, दो राइट, यानी कि इट इंक्लूड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द राइट टू लाइफ, ये दो अधिकार शामिल है, ठीक है। फिर ये अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, दीज राइट आर इंटरलिंक्ड। फिर भूख से मरने के कारण, अब अपन ने ये कहा कि हाँ, इस क्वेश्चन में जो बात लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ कि 5 करोड़ टन अनाज था देश के पास, लेकिन वितरण प्रणाली सही नहीं थी, मतलब जिसको जितनी जरूरत थी सही नहीं बांटा, किसी को 5 क्विंटल दे दिया, किसी को 4, किसी को 10, या फिर आधा भीग के सड़ गल गया, ऐसा सिस्टम हुआ होगा। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वितरण प्रणाली है वो सही नहीं थी, इसको ठीक किया जाए। तो वो अपन को ध्यान रखना है कि जब ऐसा हुआ, कोई लोग भूख से मर रहा है जबकि आपके पास 5 करोड़ टन अनाज है, फिर भी इसका मतलब आपकी सिस्टम सही नहीं है। तो भूख से मरने के कारण कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है बताओ? जीवन के अधिकार का। समझ में आ गई ना? क्योंकि सबको आर्टिकल 21 क्या कहता है कि सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो यहां पर जब भूख से कोई मर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है इस देश की, कोई भी भूख से मर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है, भूख से मतलब अपनी इच्छा से नहीं मर सकता है, भुखमरी यार, तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी, करनी पड़ेगी, यानी कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट टू लाइफ वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, ये समझ में आ गया। फिर अगला है, गोदामों में 5 करोड़ टन अनाज होते हुए भी सरकार ने वितरण व्यवस्था ठीक नहीं की, और मानव अधिक समूह द्वारा मतलब ज़्यादा लोगों के द्वारा न्यायालय से ये प्रार्थना की गई है कि सरकार को सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो लोगों को आप धान या अनाज बांटते हो उसे बोलते हैं सार्वजनिक, मतलब सभी को देना, जो सभी को आप धान या अनाज देते हो पर उसमें सुधार करो, सुधार करने के आदेश दें। तो इस प्रकार के संवैधानिक, ये हो गया संवैधानिक उपचार, क्योंकि जब किसी को सही वितरण प्रणाली नहीं दी जा रही, ये हमारा संवैधानिक हक है, मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है ये कि हम अगर कोई गवर्नमेंट के ऊपर ये गवर्नमेंट सुझाव दें या फिर अपन NHRC के जरिए अपन ये क्वेश्चन उनको बता रहे हैं कि आप अपनी जो सिस्टम है इसमें सुधार करें, क्योंकि अपन तो कर नहीं सकते, अपन जाएंगे NHRC के पास में, NHRC आगे जाके गवर्नमेंट से बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है। तो दोनों बातें आ गई, यहाँ तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वो जीवन जीने का अधिकार, ये अपने शुरू में बात लिखी थी कि इसके अंदर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि और 5 crore टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन द गोडाउन्स, द गवर्नमेंट डिड नॉट फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड बाई द ह्यूमन राइट ग्रुप टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। दस इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसका मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला भी जो अधिकार है वो भी शामिल है। वेरी इजी है, लेकिन ऐसा कैसा आपको लिख के आना, ये ऑथेंटिक मतलब एक आंसर है। फिर इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या था कि क्या ये जीवन का अंग है, तो ये अधिकार यद्यपि अलग अलग मूल अधिकार है, ये अपन को पता चल गया, एक तो जीवन जीने का अधिकार है और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, दोनों अलग अलग है, लेकिन देखो ये लैंग्वेज, ये हिंदी थोड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखा करो, यद्यपि तथापि, है ना, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो एक अपन को एक अच्छे लेवल की हिंदी अच्छे वर्ड यूज करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं थ्योरी के अंदर, इंग्लिश वाले इंग्लिश के अंदर अच्छे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये अधिकार यद्यपि अलग अलग मूल अधिकार है, तथापि ये इस मामले में जीवन के अधिकार का भाग बने हुए हैं। कैसे, दोनों ही जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो है, दूसरे वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लेकिन वो भी एक जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहा है। कैसे कि आपके पास अनाज था लेकिन आपने सही से बंटवारा नहीं करा, दूसरा कोई लोग भूख से मर रहा है, तो जीवन जीने का अधिकार, तो दोनों आपस में लिंक, हालांकि दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों जीवन जीने के अधिकार के ही पार्ट हैं। तो सेकंड इसका बी पार्ट यही पूछ रहा था है क्या, तो आपको कहोगे यस, दिस राइट थ्रू ए सेपरेट फंडामेंटल राइट फॉर्म्स पार्ट ऑफ, लेकिन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ इन द केस, इन दिस केस, ठीक है, लेकिन दोनों ही जीवन जीने के अधिकार हैं। ये था आपका 8वां क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है कि इस अध्याय में उदित सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें, क्या आप उनके कथन से सहमत हैं, यदि हाँ तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दें, यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। रीड द स्टेटमेंट बाय द सोमनाथ लाहिड़ी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योटेड इन द, उन्होंने कोई क्योट दिया था वो पढ़ा दूंगा मैं आपको इन दिस चैप्टर, डू यू एग्री विथ हिम, इफ यस तो गिव इंस्टेंस टू प्रूव इट, और अगर नहीं, इफ नॉट तो गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हिज पोजिशंस। तो देखते हैं उन्होंने क्या दिया था। हाँ तो देखो ये उनका आर्ग्यूमेंट्स था, I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of a police constable, यानी कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो कि यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसिडर्ड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरियबली फॉलोड बाय ए प्रोविजो, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय ए प्रोविजो विच टैक्स अवे द राइट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। ये अपने आप उस टाइम ही पढ़ा था जब अपने मूल अधिकार पढ़े थे, तो अपने एक बात करी थी कि ऐसा नहीं कि ये मूल अधिकार अगर अपन को मिल गए हैं तो सब कुछ ही मिल गया, कुछ प्रोहिबिशन भी है, कुछ रोक भी है, तो वही ये बात कर रहे हैं। तो ये आगे फिर कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। वॉट शुड बी आवर कंसेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वी वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरी वन ऑफ दोज राइट्स विच वन पीपल वॉन्ट टू गेट। हाँ तो इनका ये जो अभी कथन आपने पढ़ा ये एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे कोटेशन, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये कॉम्पिटेटिव टाइप क्वेश्चन है जो आगे आपके सिविल सर्विसेज में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनमें अपन को सोच के अपने माइंड से आंसर देना है कि हाँ वाकई ये बात सही है, इनकी बात जो है उनसे अपन सहमत हैं, एग्री हैं कि हमारे देश ने हमारे जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार दिए लेकिन कम दिए हैं, बहुत सारी और भी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स और देने की जरूरत थी, इनकी बात से हम एग्री हैं इस बात को, क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार दिए लेकिन सब में कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा करोगे तो फिर आप ये नहीं कर सकते। अपने जब फंडामेंटल राइट पढ़े थे उस टाइम पर ये सारी बातें पढ़ी थी, अभी और बता देता हूँ। तो देखो कि हाँ मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ
यस आई कंप्लीटली एग्री विथ सोमनाथ लोहिरी व्यूज, ठीक है, या फिर हिंदी वाले भी लिख सकते हो, हाँ मैं सोमनाथ लोहिरी के कथन से पूरी तरह सहमत हूँ, बिकॉज आगे यहाँ से शुरू करना है, इंग्लिश वाले भी बिकॉज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बात ये पॉइंट बना के लिखना, इनको नंबरिंग भी कर सकते हो, ऐसे नंबरिंग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हो, फिर ऐसा पॉइंट डॉट बना के भी लिख सकते हो, हमेशा पॉइंट बना के आंसर लिखना, बहुत अच्छे आंसर होते हैं वो, कि प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, मैनी रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड विद एवरी फंडामेंटल राइट, हमें फंडामेंटल राइट तो मिला है लेकिन रेस्ट्रिक्शन हर के पीछे लगा हुआ है, ठीक है, जिससे ये पता ही नहीं चलता, जिसे ये समझना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से क्या मिला है, ये पता ही नहीं चलता कि यार आप अधिकार दे रहे हो, फिर नीचे रेस्ट्रिक्शन, फिर कंडीशन, तो पता ही नहीं चलता कि फिर दिया क्या आपने, ठीक है, यानी कि विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन हैज़ गॉट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर आगे अपन बात करें तो भारतीय संविधान इस प्रकार एक हाथ से तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मतलब देता है, और दूसरे हाथ से उनसे उन मौलिक अधिकारों को वापस छीन लेता है, ठीक है, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दस प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन विद वन हैंड एंड टेक्स अवे दोज फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम देम विद द अदर हैंड, यानी कि वापस दूसरे हाथ से, एक हाथ से लेता है, एक से वापस ले लेता है, एक हाथ से देता है, तो ये चीज़ें अपन को इसके अंदर एक बात ये डाल दी, इजीली आपको समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि अपन ये बातें पढ़ रखी है कि जो भी मौलिक अधिकार हमें हैं लेकिन कुछ कंडीशन है कि अगर हमारे देश को कोई नुकसान हो रहा हो तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ये सब बातें उसके अंदर है, ठीक है। फिर सेकंड, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कम दिए गए हैं, ये बात भी है, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और भी मौलिक अधिकारों की जरूरत थी, कैसे, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, कि लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन काम कहाँ करें, सोर्स कहाँ है, बेरोजगारी आपको पता है इतनी सारी फैली हुई देश के अंदर, तो काम करने का अभी हक है पूरा, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है कि काम मिल जाएगा इजीली, मिलेगा ही मिलेगा, तय नहीं है, ये कहा हुआ कि काम कर सकता है, उसको भी अगर फंडामेंटल राइट बना दिया जाता, क्योंकि फंडामेंटल राइट चेंज नहीं हो सकते, नॉर्मल कानून के अंदर तो है लेकिन वो बात नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छे से समझना कि कम दिए गए हैं, बहुत सी ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है जो मौलिक अधिकारों में शामिल होनी चाहिए थी, जैसे काम करने का अधिकार, ब्रैकेट में वाली बात जरूर लिखनी है, काम करने का अधिकार ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिया गया, लेकिन ब्रैकेट वाली बात लिख दोगे तो पता चल जाएगा टीचर को कि केवल आंशिक रूप से न्याय संगत बनाया गया है, बस एक आंशिक छोटा सा एक न्याय संगत बना दिया कि हाँ काम मिलना चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है वो, ध्यान रखना, मैनी सच थिंग्स हैव बीन लेफ्ट आउट विच शुड हैव बीन इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू वर्क, ब्रैकेट में ओनली पार्टली मेड जस्टिशियबल। अब अगर हम अगली बात करें, एक तो ये ले लिया अपने काम करने का अधिकार, दूसरा पर्याप्त आजीविका का अधिकार, यानी कि राइट टू एक्वेट लिवलीहुड, मतलब पर्याप्त जो आजीविका लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे कि मंथली 10,000, 12,000, 20,000 जो भी, मतलब उसको जो जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, नहीं मिल पाता, पर्याप्त तो नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक अभी फंडामेंटल राइट के अंदर जोड़ने वाली बात थी, जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। एक है आर्थिक शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्थिक शोषण के खिलाफ अधिकार का मतलब है कि राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एक्सेट्रा, ये कुछ बातें थी। आर्थिक खिलाफ का मतलब क्या होता है, आर्थिक का मतलब ये है जो इकोनॉमिक तरफ से, मतलब पैसे वाले मामले के अंदर जिसका शोषण हो रहा हो, जैसे गरीब है वो आज गरीब ही बनता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा, गरीब और अमीर के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है, गरीबों के लिए ऐसी स्कीम नहीं है, और गरीब हर जगह मारा जाता है, उसका हर जगह शोषण होता है, ये नोटिस कर लेना भले कभी, तो ये इसके लिए भी एक ऐसा कानून या फिर ऐसा वैसा अधिकार बनना चाहिए था, वो पर्याप्त नहीं बना हुआ है, ये बातें आप 2-3 एग्जांपल लिख दोगे इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से, अभी इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हर फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो वापस बात लिखनी है आपको कि प्रत्येक मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से यह पता चलता है, स्पष्ट होता है कि ये अधिकार पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण मतलब है कि पुलिस डंडे का इस्तेमाल करके कुछ भी करवा सकती है कि नहीं नहीं यह कानून में नहीं लिखा हुआ, मतलब कि खूब सर क्यों, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो देश के खिलाफ मामला, आप कौन करने वाले, नहीं नहीं कर सकते आप ऐसा, कोई रैली निकाला कि आप रैली नहीं कर सकते, नो नो पुलिस आगे डंडा लेके, तो इसलिए पुलिस कांस्टेबल का यूज़ किया गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो ये राइट दिए गए हुए पुलिस कांस्टेबल के
की तरह दिए गए हैं, समझ पा रहे हो, यानी कि एक पुलिस सिपाही के दृष्टिकोण, मतलब पुलिस सिपाही को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि उसके पास जो पावर है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये बात अपन को भी पता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऐसा पुलिस कांस्टेबल के पास छोटी मोटी ऐसी पावर है तो फिर वो इजीली उसका यूज़ करेगा, मिसयूज होगा वहाँ पर। बाय बैनिंग एवरी फंडामेंटल राइट इट इज़ क्लियर दैट दीज राइट्स हैव बीन गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द पुलिस कांस्टेबल। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान देना, जो हमें भाषण और व्यक्ति पर रोक जो अगर लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पीस एंड मॉरलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन कैन ईजिली मिस यूज द पावर, यानी कि अगर अपन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें दी गई है उस पर अगर कानून व्यवस्था शांति और नैतिकता के आधार पर अगर प्रतिबंध लगता है तो प्रशासन इस शक्ति का आराम से दुरुपयोग कर सकता है। आपको पता है कि अपन को भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपन कहीं पर भी अपनी विचार या अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन प्रशासन के ये हाथ में है कि अगर किसी का भाषण भड़काऊ हो, अब भड़काऊ का कोई अंदाजा तो है नहीं क्या भड़काऊ, जो पुलिस के हाथ में आएगी गवर्नमेंट आदेश कर देगी हटा दो, वहाँ से हटा देंगे 2 मिनट में, क्योंकि प्रशासन के पास में पावर है कि अगर कोई भाषण भड़काऊ हो या फिर ऐसा हो जो देश के लिए सही नहीं हो वो आप उसको रोक सकते हो, तो ये इजीली रोक लेंगे। तो ये जो प्रशासन को पावर दी गई है कि ये तो नैतिकता वाली बात नहीं है, ऐसा कह देगा पुलिस वाला, क्यों, क्योंकि 3 वर्ड यूज़ किए हैं, ध्यान समझना कौन कौन से, यहाँ पर अपने वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था, कि कह दिया साहब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आप इकट्ठे हुए कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हटो यहाँ से हटो, फिर शांति की बात कर देंगे या फिर नैतिकता की बात कर देंगे, ठीक है, पीस मॉरलिटी और लॉ एंड ऑर्डर, अगर तीनों की बात करके तो फिर हर कोई उठा सकता है क्योंकि प्रशासन के पास में पावर है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि सोमनाथ लोहरी वाली बात बिल्कुल सही है, हमें एक हाथ से देख के एक हाथ से मौलिक अधिकार लिए जा रहे हैं। ये आपको बहुत ऑथेंटिक आंसर मिल गया, इसको एज इट इज़ याद करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने वो लिए हैं जो आपके बुक के स्टार्टिंग पेज से लेके लास्ट तक मिड से जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे नहीं लेंगे, जो अपने नोट्स में आ गए वो नहीं लेंगे, खूब सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल सोचने वाले हैं वो भी नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं पेज नंबर 26 पर, तो वहाँ पर कितने क्वेश्चन है वो देखो एक बार, इसमें आपको 26 पे स्टार्टिंग जो पेज है ना वहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मतलब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टार्टिंग है, पहले पेज के अंदर ये अपन को दे रखा है। तो ये अपन ने शुरुआत में पढ़ लिया था जब थ्योरी पढ़ी थी पूरी की पूरी, कि हमारे को 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन कर चुके, ठीक है, इसको टिक कर लो भाई। सेकेंड, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, यानी कि उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उनका मतलब मौलिक अधिकारों को, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो देखो इसका आंसर, ये मैंने आंसर इसका बहुत ही शानदार तरीके से लिख दिया है कि भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मूल अधिकार वाद योग्य, सूचीबद्ध का मतलब जो हमें 6 दिए गए लिस्टेड हैं 6, वो वाद योग्य है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं सीखने को मिल रही है आपको। लिटिजियस का मतलब होता है वाद योग्य, वाद योग्य का मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का, ध्यान से सुनना, अगर आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करता है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, मतलब कोर्ट में केस कर सकते हो, उसे बोलते हैं वाद का मतलब केस करना, वाद योग्य है। लेकिन अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व के अंदर अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं उनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे या फिर नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य का मतलब आप नीति निदेशक तत्वों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, पढ़ेंगे वो 11 अपन को है, बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी, वो भी इसी चैप्टर में, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ए पर्सन्स फंडामेंटल राइट इज वॉयलेटेड, अगर वॉयलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वॉयलेटेड बाय द एक्शन ऑफ ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट या फिर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन हिम बाय द गवर्नमेंट, देन दैट पर्सन कैन फाइल ए केस अगेंस्ट सच एक्ट। यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है, कोई वॉयलेट कर रहा है, वो चाहे प्राइवेट संस्था हो, ठीक है, प्राइवेट संस्था का मतलब कोई निजी संगठन हो, या सरकार के कोई कार्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता हो, या फिर उनके द्वारा सरकार कोई जबरदस्ती अनुचित
प्रतिबंध लगा रही हो, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रही हो, ठीक है लगा रही हो, तो वह व्यक्ति ऐसे कार्य के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिक लैंग्वेज में इसको वाद बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे, न्यायालय सरकार के ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है या फिर सरकार को निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है। देखो, अवैध का मतलब होता है इलीगल, खत्म, कि यह बात गलत है, आपने इसके व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ हो तक हो गया अपन, देन दैट पर्सन कैन फाइल केस अगेंस्ट सच एक्ट द कोर्ट, कोर्ट का मतलब न्यायालय, कोर्ट में डिक्लेयर सच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बी इलीगल, या फिर मैं डायरेक्ट द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट को आदेश कर सकती है, डायरेक्ट निर्देश कर सकती है। ठीक है, तो बहुत इजी था, ये था आपका पेज नंबर 26 पे, ये ध्यान रखना, पेज नंबर 26 पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला तो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करता हूं मैं इसके अंदर बाकी जो दो क्वेश्चन है उनकी भी। जैसे तीसरा है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही, यानी कि व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने सेकंड का आंसर लिखा था अभी अपन ने, उस जैसा ही है, मतलब न्यायालय हमारी क्या क्या मदद करता है। भाई न्यायालय अगर कोई उल्लंघन होगा तो क्या मदद करेगा हमें, उस सरकार को खिलाफ आदेश दे देगा सरकार को कि आप किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, वही वाली बात। मतलब सेकंड का जो आंसर लिखा था उसमें कोई एक चार बातें जोड़ के वो इसका आंसर अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इसको अभी अपन छोड़ेंगे, इसको अपन जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ करने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, फिर सीधा पेज नंबर 33 पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी जरूर इसकी बड़ी है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को अच्छे से करना, एक बार अच्छे से इसको पढ़ो। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको ओडिशा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जो डाकिया होता है ना वो पोस्ट कार्ड देता है, पोस्ट कार्ड मिलता है, उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। ठीक है, हेडिंग क्या है, आप एक न्यायाधीश, वो वाला पेज मिल गया ना, पेज नंबर 33, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की एक ही बुक है, मतलब एक ही पेज नंबर है सेम उसमें ही। यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हैदी बंधु, ठीक है, यानी कि हादी बंधु है वो, हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी इन पूरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के पूरी, उसमें भी आगे लिखा हुआ है कि मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो ए कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी, ठीक है, शादी के महोत्सव पर मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। आगे, इसके बदले उस समुदाय की चार महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया। पोस्ट कार्ड मिलने लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के साथ जूठन हटाने, यानी जो बर्तन हटाते हैं ना शादी में जो खाना खाने के बाद वो, या फिर बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। इन रिवर्स फोर वुमेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर बीटन अप एंड अनदर वॉज प्राइडेड नेक्ड। The postcard written writer says our children are educated and they are not willing to the customary job of washing the feet of upper caste men, clear the leftovers after the marriage feast and wash the utensils. ठीक है, तो ये मानते हुए कि ये बात बिल्कुल सही है, उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप इसमें सरकार को क्या करने के आदेश देंगे। अज्यूमिंग दैट द फैक्ट्स गिवन अबव आर करेक्ट यू हैव टू डिसाइड डज दिस केस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस। ठीक है, अब देखो मैंने इसका आंसर लिखा है, बहुत ही शानदार, आपने थ्योरी पढ़ी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एज इट इज आते हैं। ठीक है, अब आपको ये खुद, क्योंकि इसमें खुद को आपको सोचना है कि इसमें क्या किया जाए, कि देखो हमारे शुरू से पहले की रूढ़िवादी सिस्टम पहले था कि कुछ समाज को जातियों में बांट दिया जाता था, अलग अलग जातियों कैटेगरी में, और फिर वो उस कास्ट की जाति के लोगों को काम भी फिक्स कर दिया जाता था कि ये आपको काम करना ही करना है। ठीक है, जैसे शादी ब्याह के अंदर जो प्लेटें उठाना है
या फिर बर्तन मांजना, ये वाला काम आपको करना ही करना है, भले ही वो उस जाति के लोग पढ़े लिखे क्यों ना हो। लेकिन अब जैसे ही वो ज़्यादा पढ़ लिख गए तो उनके बच्चों ने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। जब मना किया तो उनकी चार महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो सब बातें आपने पढ़ ली। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अपने कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मतलब किसका उल्लंघन हुआ, वो अपन को इसके अंदर देखना है किसका वॉयलेट हुआ। तो अपन देखते हैं, मैंने आंसर इसका लिखा है। और अच्छा, एक बात ये भी लिखी कि ये मानते हो कि बात सही है, क्योंकि आपको अपन को किसी को नहीं पता कि ये क्या घटना है, कब की होगी, वो कोई बात नहीं, बस आपकी वो टीचर जो है एग्जामिनर है, वो एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपकी सोच को देखना चाहता है कि आपके माइंड में क्या सोच आता है। तो आंसर आप ये लिखेंगे, सबसे पहले ये बात भी लिखनी है कि अज्यूमिंग दैट द एबो फैक्ट्स आर ट्रू, सपोज कि ये जो बात है, ये तथ्य है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि एक निर्णय करूंगा। भाई आपको पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे, इसलिए आपको अपनी भाषा में लिखना है कि एक ऐसा निर्णय करूंगा कि इस घटना में शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा पेशा चुनने व व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हुआ है। ध्यान से समझना, आई विल टेक अ डिसीजन दैट इन दिस इंसिडेंट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड द राइट टू चूज अ प्रोफेशन एंड द राइट टू डू बिजनेस हैज बिन वॉयलेटेड। ये अपन को पता चल गया कैसे कि एक जाति के लोगों को दबाए जा रहा है कि आपको ये बर्तन उठाने का ये काम करना, एक तो शोषण हो रहा है उसका, शोषण के विरुद्ध यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। दूसरा कि आपको, जबकि उनके बच्चे पढ़ लिख गए, उनको अलग काम करने नहीं दिया जा रहा, मतलब उनको राइट टू चूज ए प्रोफेशन या फिर राइट टू बिजनेस, उनको ना तो बिजनेस करने दिया जा रहा है और ना ही कोई अपनी इच्छा से कोई काम सेलेक्ट करने दिया जा रहा है, इन दोनों का उल्लंघन हुआ है। ये बात दिमाग समझ में आ गई ना, ये पहचान तो आ ही जानी चाहिए अब, क्योंकि इतने मूल अधिकार आपने पढ़ना में राइट पढ़ लिए तो ये तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात आपने कह दी कि उसका उल्लंघन हुआ है, तो अब आप क्या करोगे। अब थोड़ी सी बातें थोड़े देश के बारे में लिखना भी है कि अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित हैं, दलित का मतलब जो नीची जाति के होते हैं वो, है ना, गरीब पूर, शोषित हैं, शोषित मतलब जिनका शोषण हुआ है, जिनको लोगों ने परेशान किया है, और कुछ लोग वंचित हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं मिल रहा, या लोगों द्वारा उनका शोषण, बेगार का मतलब होता है मजदूरी ना देना या फिर बंधुआ मजदूरी रख लेना के रूप में किया जाता रहा है। ठीक है, यानी कि करोड्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, दलित, एक्सप्लोइटेड एंड डिप्राइव्ड, और दे आर बीइंग एक्सप्लोइटेड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर। सही बात है, ये हमने देखा भी है, ऐसे लोग हमारे देश के अंदर है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही बात है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स सच एक्सप्लोइटेशन, अतः इसे अपराध घोषित भी कर दिया गया अब तो। ठीक है, और ये शोषण कानून द्वारा दंडनीय भी हैं, इसमें पनिश भी मिलता है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑफेंस एंड दिस एक्सप्लोइटेशन इज पनिशेबल बाय लॉ, कानून के जरिए इसको दंड भी मिलेगा। अतः अब यहाँ तक ये बात देखो, आंसर लिखने का तरीका देखो आप, यहाँ से लेके कहाँ से लेके कि यहाँ से लेके यहाँ से, ये बात जो अपने बहुत ज़रूरी है, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अब इलेवंथ के अंदर आ गए, इलेवंथ ट्वेल्थ के बच्चों को तो इतनी सोच विकसित हो जानी चाहिए, यहाँ से लेके और जो अपने अभी तक पढ़ा बाय लो तक, ये चीज़ इस क्वेश्चन की डिमांड है। मतलब आप अपनी बात रखोगे, उससे पहले आपने बताया अपने देश के बारे में कि हमारे देश की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है और ये मेरे पास कानून कायदा है। भाई जैसे आप कल को ऑफिसर बन गए, तो ऑफिसर तो बन गए लेकिन आप कोई भी सिग्नेचर करोगे या फिर कोई भी आदेश जारी करोगे तो वही करोगे ना जिस जो आपको कानून के अंदर आपको सिखाया गया है, या फिर जितना कानून के दायरे में हो उससे बाहर थोड़ी ना चले जाओगे। वो बात यहाँ पर भी लिखनी है कि इन सब के लिए हमारे देश में प्रतिबंध है, ऐसा कोई अगर करवा रहा है तो प्रतिबंध है, रोक है, प्रोहिबिशन है, इसके अलावा इस पर दंड भी मिलेगा, ये कानून में लिखा हुआ है, ये बात बतानी है, बता दी अपने। अब कह रहे हैं अतः अब क्या करेंगे कि जिन शोषण का विरोध करने पर उन समुदाय की चार महिलाओं को जिन व्यक्तियों ने निर्वस्त्र करके घुमाया उन्हें मैं कानून सम्मत दंड निर्धारित करूंगा तथा सरकार को यह आदेश दूंगा कि समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि सभी लोग बिना किसी बाधा के स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकें। ठीक है, ये ऐसा पहले आपने कानून की बात की और फिर कहा कि अब मैं आदेश जारी करूंगा, देयरफॉर ऑन अपोजिंग द एक्सप्लोटेशन आई विल प्रिस्क्राइब लीगल पनिशमेंट टू बी पीपल हु मेड फोर वुमेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर पैराडेड नेक्ड एंड द गवर्नमेंट विल ऑर्डर दैट सच कंडीशन शुड बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी सो दैट ऑल द पीपल कैन फ्रीली चूज देयर प्रोफेशन
विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी बिना कोई रोक टोक के को अपने इच्छा से काम कर सके, ऐसा सरकार को आदेश दूंगा और उनको पनिश भी मिलेगा जिन्होंने ऐसा काम किया कानून के दायरे में रह के, ठीक है। और उसके अलावा क्या करोगे कि जो व्यक्ति, ये तो अपने पढ़ लिया, हाँ, जो व्यक्ति समुदाय संगठन इसमें बाधा डालता है उसे रोकें तथा दंडित करें। यह भी कहूँगा कि अगर कोई ऐसा काम करना, क्योंकि गाँव वगैरह में अभी भी ऐसा होता है, कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती है, कुछ समुदाय के लोग जो संख्या में ज़्यादा होते हैं वो नीचे के वालों को दबाते हैं, या फिर ऐसा सुनने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जो मिलकर समुदाय ऐसा हो, कोई आदमी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, अगर ऐसा करता है तो उनको रोकें, उनको मना करें, सरकार को भी ऐसा आदेश दूंगा, ठीक है। तो ईजी है, लेकिन आपको याद भी साथ के साथ हो जाएगा अगर मेरे साथ इसको पढ़ा आपने तो, ठीक है। अब मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लिया है, ध्यान रखना ये किसी पेज नंबर में नहीं है, ये किसी भी पेज नंबर में नहीं है, जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये अलग से ही, उन सब में तो आपको पेज नंबर भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, ठीक है। और जो अपने छोड़े हैं वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, सब कुछ वो करेंगे जो आपके लाइक हो, आपके लिए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक मैंने लिया कि आपके माइंड में ऐसा आ सकता है, क्योंकि जब अपन इसी आज के वीडियो की स्टार्टिंग शुरुआत करी थी तो वहाँ पर इसकी बात करी थी कि एक तो होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और एक होता है जनरल राइट्स, सामान्य अधिकार। ये दिमाग में आपके भी आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट और सामान्य अधिकार, मतलब जनरल राइट में क्या फ़र्क है, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में कोई दो अंतर बताने, अगर आपको गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड जनरल राइट्स, वो देखते हैं अपन क्या क्या फ़र्क होता है। हालांकि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बातें तो बता रखी है, लेकिन अगर एग्जाम आ जाए तो आपको लिखना जरूरी है। पहला अंतर ये कि जहां साधारण अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ठीक है। जो जनरल राइट होता है, जो साधारण कानून होता है, वो नॉर्मली पास हो जाता है ना वो, लेकिन उसमें कोई संविधान की गारंटी नहीं होती, वो चेंज भी होता रहता है अकॉर्डिंग टू परिस्थितियाँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है वो उस हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल राइट के अंदर कोई बात लिखी हुई है तो संविधान उसकी गारंटी लेता है, इसका मतलब वो पक्का है। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड है भाई, है ना, इसका सेकंड है कि वेयर ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी बोल दो चाहे जनरल लॉ बोल दो, ऑर्डिनरी लॉज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कॉमन राइट, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये था इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। अब इसका सेकंड है कि सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। स्टार्टिंग बता दिया था मैंने अलग ये बात कि जनरल राइट्स कैन बी चेंज बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉज, बट टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स कैन राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तब ही मौलिक अधिकार चेंज होंगे, जबकि जनरल तो आराम से पार्लियामेंट में का कानून ले आओ और बदल जाएंगे। लेकिन संविधान में संशोधन करने का मतलब है दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी के साथ पास होना, वो मैंने बता रखा आपको बातें, और आगे आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा जिसमें आपको ईजिली टाइम भी मिल जाए नोट्स बनाने के लिए भी, प्लस एक्स्ट्रा आपको स्टडी करने के लिए, ठीक है, ओके।